अच्छा वहाँ बरसात नहीं है आज, ये अपना ब्लैक एरिया है, ये जो है अपना ऑडिटोरियम रूम है, वहाँ इस तरीके से कैसा लगा आपको दिल्ली? डायरेक्ट सेलिंग बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है क्या, बहुत सारे लोग उसको चला नहीं पाए, क्योंकि चलाने के लिए हर एक क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई बड़े बिल्डर है, आपको लगता है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन वो बिल्डर को सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं होता, वो किसी को भी डिपेंड होता है, और फिर वो सॉफ्टवेयर वाला अगर निकल गया तो ये सबको लेकर रोड पर आ जाता है, और फिर वो मानसिकता को समझने की भी आपके पास काबिलियत होनी चाहिए, तो वो इमोशन को भी आपको नॉलेज होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ये ओनर ड्रिवन बिजनेस है, वो बंदा यहाँ पर एक्टिवली काम करना चाहिए, बाकी कंसेप्ट बहुत क्लियर है और बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हम लोग लेकर आए, आपको दिल्ली भी दिखाया, दादर भी दिखाया, ऐसे ऑफिस हम लोग पूरे इंडिया के जितने भी कैपिटल्स है, स्टेट के कैपिटल्स, वहाँ पे हम लोग करने का हमारा प्लानिंग है, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा मार्केट है, 150 करोड़ लोग है, और इसी रफ्तार से भी हम जाएंगे तो भी कम से कम 70 से 80 साल लगेगा, और हम लोग 35 प्रोडक्ट्स लेकर आए, अभी आने वाले दिनों में 35 प्रोडक्ट्स लेकर हम लोग उतर रहे, तो बिल्कुल आप जी जान लगा के करो, इधर उधर चल भी चल मत हो जाओ, क्योंकि इसके हम लोग इन्वेंटर एंड पायोनियर हैं, तो देखा था कि बहुत सारे आपके अहमदाबाद में भी बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन आज किसी का भी ठिकाना ही नहीं, उनको लगता है कि भाई बायोमैग्नेटिक मैट्रेस बहुत चल रही तो अपन कर सकते, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, कॉपी हमेशा कॉपी हो जाती है, उसको करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और हमने 38 मंथ में आपको करके दिखाया, बल्कि ये कॉपी जब आते हैं तो अपने को बहुत सारा माइलेज देके जाती, क्योंकि वो दुनिया में एक अवेयरनेस क्रिएट करती कि भाई इस टाइप की कोई चीज़ आई है, अब जो हमारा रीपर्चेज जब आएगा तो आप देखना क्या मजा आएगा, मतलब आपके नीचे के लोग हैं ना, रीपर्चेज को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, अपने लिए अच्छा है ना, सही बात। एक 50 PV का भी अगर आप प्रोडक्ट बेच के आते हो ना, 50 PV का, तो भी 4,500 घर में आता है, सुबह 50 PV, शाम को 50 PV का उनके दिमाग में बात उतार दो, 9,000 रुपये को मिल गया, वो जो पैसा हम थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के लिए खर्चा करेंगे, फर्स्ट परचेस का जो आ रहा है वो पूरा बचा के रखो, ओके, तो इस तरीके से थोड़ा खर्चा भी करना पड़ता है, आज जो फंक्शन आपने किया, मतलब जो प्रोग्राम किया, तो ऐसे फंक्शन आपके लोगों के लिए भी करो, और उनको थोड़ा खर्च करने की थोड़ी आदत भी डालो, है ना, क्योंकि अपना धंधा है तो अपने को करना पड़ता है ना, अभी देखो अपना ट्रेडिशनल का बिजनेस है, मेरे लिए तो ट्रेडिशनल है ना, लेकिन हमने आज दिल्ली के लिए हमने अभी तक 3.5-4 करोड़ खर्चा किया, अब दादर आप देखने जाओगे तो 2.5 से 3 करोड़ रुपये हमने खर्चा किया, अच्छा जब हमने उसको लीज भी लिया जगह को, तो 8-8, 10-10 महीने तो हमने रेंट भरा उसका, कम से कम 70-80 लाख रुपये तो रेंट में गया, तो पहला तो पैसा डालना पड़ता है, अब तब जाके पैसा आता है ना, तो इस तरीके से इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और लोगों का बिजनेस है, लोगों को तैयार करना पड़ता है यहाँ पर, तो लोग अच्छी तरह से तैयार करें हो जाएंगे नीचे, उनको पता चलेगा अपनी जिम्मेदारी क्या है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन फ्यूचर अपन राज काले साहब का भी प्रोग्राम रखेंगे, स्नेह देसाई का भी रखेंगे, संतोष नायर का भी रखेंगे, संतोष नायर भी डायरेक्ट सेलिंग पे बहुत अच्छी बात करता है, देन अरोरा करके दिल्ली में है, और बजाज करके है, बजाज अरोरा दीपक बजाज, हाँ उनसे भी, हाँ प्रशांत शरण है, हर्षवर्धन जैन, मतलब जितने भी अच्छे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को समझते हैं उनके साथ अपन आगे बढ़ेंगे, ये जोशी साहब तो अपने एवरग्रीन है, वो तो अपने कंपनी के डेडिकेटेड है ना, तो अभी एक और एक रखेंगे गुजरात में, गुजरात में चाहिए अभी, बिल्कुल राजकोट चलेगा, राजकोट में रखो ना, राजकोट, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, बड़ौदा में चाहिए, बड़ौदा में।